आज है 9 अगस्त 2022 और आज सिंगापुर का हैप्पी नेशनल डे है। आज सिंगापुर को इंडिपेंडेंस हुए कुल 57 साल हो गए हैं। 57th हैप्पी नेशनल डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1965 में 1965 में मलेशिया से सेपरेट हुआ था, तो 57th ईयर आज सेलिब्रेशन है। और तुम्हारा भाई आज काम पर जा रहा है। आज काम पर क्यों जा रहा है, इसकी वजह है भाई आज मिलेंगे ज़्यादा पैसे। आज नेशनल डे पे काम करेंगे तो हमें मिलेगी डबल सैलरी। तो कितनी होने वाली है पूरी देखो इस वीडियो को। Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, 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 pa. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। अब ये मत सोचना कि यार काम पर मैं तो थक तो जाता हूँ, लेकिन आज खुश क्यों। क्योंकि यार देखो, ऐसा जब पैसे ज़्यादा मिलते हैं, आज है नेशनल डे और आज मिलने वाली है डबल सैलरी, तो भाई काम पर छुट्टी क्यों। जब डबल सैलरी मिलेगी काम पर छुट्टी क्यों, वीकेंड्स में छुट्टी कर लेंगे जब नॉर्मल सैलरी मिलेगी। तो आज का जो वीडियो है मैं बताने वाला, अगर आप सिंगापुर में होटल इंडस्ट्री में काम करते तो पब्लिक हॉलीडे पर अगर आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भाई ज़रूर करना, क्योंकि आपकी सैलरी पब्लिक हॉलीडे पे डबल होने वाली है। और भाई काम ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि पब्लिक हॉलीडेज में जो लोग जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। और एक बात और बता रही थी, जो सिंगापुर में जो कल्चर है, फूड का, खाने पीने का कल्चर है भाई, वो घर पर बहुत कम होता है। अगर स्पेशल हॉलीडेज हैं तो भाई ये तो बहुत ही लोग बाहर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो भाई होटल इंडस्ट्री, अगर रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री, आप आज के दिन ज़्यादा बिजी होगे। अगर आप फ्रंट लाइन में हो यानी रेस्टोरेंट लाइन में हो, तो आज ज़्यादा भीड़ होगी आपके रेस्टोरेंट में। अगर आप फूड इंडस्ट्री की पैकिंग वगैरह पर हो या कंपनीज में हो, आज वो वाली सारी कंपनी ऑफ होगी। जहाँ पर आपका खाने का सामान मिलेगा वहाँ आज भरमार भीड़ होगी। तो भाई आज के दिन अगर आपने काम करा तो डबल सैलरी मिलेगी। अब आपको ये रात में बताऊँगा, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ काम पर यार, और थोड़ा बहुत आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं, और रात में इस ब्लॉग को भी ख़त्म करेंगे। यहाँ से जो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, मैं अपनी लिफ्ट के घर के आसपास मैं दिखा देता हूँ। ये मेरी लिफ्ट है, मेरी क्या इस घर की लिफ्ट है, ये मेरा घर है। और यहाँ से सीढ़ियाँ भी, अगर लिफ्ट ख़राब हो जाए तो सीढ़ियाँ जा सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा नज़ारा आउटसाइड का है, बिल्डिंग्स का। तो भाई यहाँ बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई, अब चलते हैं। मास्क मैंने लगा लिया, क्योंकि भाई मास्क लगाना एक सेफ्टी है, और बाहर जाते हैं तो भाई मास्क लगाना ज़रूरी है। आउटडोर्स में इतना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूँ। अगर लिफ्ट में जा रहे हैं तो मास्क लगाना ज़रूरी है। अब ये बोलना कि भाई आपको छुट्टी पसंद है, भाई मुझे छुट्टियाँ पसंद हैं, लेकिन भाई जब हम विदेश में आए हैं तो अगर आप पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी ले लो यार। अब डबल सैलरी आज के दिन मिलेगी तो काम करने में क्या शर्म है। ये है कुछ नज़ारा, हाँ, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, तो 11th फ्लोर पर मैं रहता हूँ भाई। और ये देख लो, ये मेरे घर की बिल्डिंग जो है, इसके बाहर का लुक ऐसा है। ये देखो, ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, जो कंस्ट्रक्शन, आज बंद है, संडे पब्लिक हॉलीडे को बंद रहता है। किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि सर अगर आप पब्लिक हॉलीडेज पे काम करते हो तो आपको कुछ महसूस होता है। देखो ऐसा होता है, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो सब छुट्टी पर रहते हैं। लेकिन वो मैं काम मेरे को काम मिल जाता है तो इसलिए मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ। और यार थोड़ा महसूस होता है, लेकिन मन पर, अपने दिल पर पत्थर रख के काम कर लेते हैं यार। एंड ऑफ द मंथ जब सैलरी ज़्यादा आती है तो खुशी होती है। तो यही है जो मेरे दोस्त हैं वो हमेशा बोलते हैं छुट्टी कर लेकर, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, स्पेशली पब्लिक हॉलीडेज़ पर और वीकेंड्स पर छुट्टी नहीं करता, वीकडेज़ पर ही कभी कभार कर लेता हूँ। क्योंकि होटल इंडस्ट्री यार एक ऐसी चीज़ है जो 24 आवर्स खुली रहती है, तो वहाँ पर काम करना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे जो दोस्त हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, आईटी इंडस्ट्री में है, वो पब्लिक हॉलीडेज पर काम रहते हैं, कहते हैं वो ऑफिस ही नहीं खुलता है, साइट पर ही नहीं चलते, तो हमारे को काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो होटल इंडस्ट्री में थोड़ा ऐसा है, तो मेरे को यही है, तो दिल पे पत्थर रख के काम कर लेते हैं यार।
कुछ ना कुछ जब विदेश में आए तो कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए भाई, जब जाएंगे अपने इंडिया तो कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा सेविंग्स हो जाएगी। अब इस मैसेज को पढ़ो। अभी मैं काम पर ही था तो अभी मुझे तमंजरों सीसी की तरफ से ये पैकेट मिला है और इसमें कुछ डेली एक्टिविटी की थोड़ी सी चीज़ें यानी ब्रेकफास्ट है, तो ये मुझे अभी दिया गया। मैं उधर सीसी में गया हुआ था तमंजरों, तो उन्होंने मुझे ये इसमें कोई कॉपी है, बिस्किट है और हैंड सैनिटाइज़र है और वन ड्रिंक्स है और टिश्यू है। तो ये तमंजरों सीसी में वहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं वहाँ गया था तो वहाँ मुझे ये मिला। रात के बज गए भाई 11:30 और आप अब जा रहे हैं घर। और आज के दिन जो नेशनल डे पर मैंने काम करा था, आज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने $180 मिले हैं मुझे आज, मेरे बैंक में क्रेडिट होंगे जब मुझे सैलरी मिलेगी। बेसिक सैलरी जो है $90 प्लस 90, तो 90 प्लस 90 180 आज मैंने अर्न करे हैं। और मेरी आज हालत, सुबह से गया था फ्रेश मूड पर और रात हो गई है, पूरा शॉप बंद हो गया है। तो बस इतना ही था बताना यार। तो होटल इंडस्ट्री में आपको काम करने को ज़्यादा मिलेगा और ये शॉपिंग सेंटर में थोड़ा सा, ये हैप्पी सिंगापुर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही ब्लॉग, मिलते हैं फिर किसी और के साथ। तो आप भी कमा सकते हो अगर आप मेहनत करने के इच्छुक हो, तो होटल इंडस्ट्री आपके लिए सिंगापुर में एक अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, अच्छी सेविंग्स आप बचा सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।